हेलो दोस्तों, मैं हर्ष भारद्वाज हर्ष ट्यूब में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जानेंगे इच्छाभेदी रस के बारे में। अब जानते हैं इसका कंपोजिशन। शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध सुहागा, काली मिर्च, नोट का चूर्ण, प्रत्येक एक एक तोला और शुद्ध जमाल गोटा चूर्ण 3 तोला लें। पहले पारत गंधक की कजली बना, उसमें अन्य दवाओं को मिलाकर घोंटे। फिर जल से एक दिन खूब घोंट कर एक एक रति की गोलियां बना लें। अब जानते हैं इसका मात्रा और अनुपात। 1 से 2 गोली, 1 से 2 रति प्रातः शीतल जल या चीनी के शरबत के साथ दें। अब जानते हैं इसका गुण और उपयोग। रोगी को इच्छा अनुसार पेट को शुद्ध करने वाला यह तेज विरेचन है। यह कफ और वात को दूर करता है तथा आंतों में संचित विकार मल को निकालता है और शूल को नष्ट करता है। रोगी की चिकित्सा करने से पहले पेट साफ कर लेना आवश्यक रहता है। यह कार्य इसके सेवन से अच्छी तरह हो जाता है, परंतु इसमें जमाल गोटा है, वह पेट में गर्मी उत्पन्न करता है एवं कभी कभी ज्यादा दस्त भी ला देता है। अतः नाजुक स्त्री, पुरुष, बालक तथा गर्भवती स्त्रियों को नहीं देना चाहिए। इससे ज्यादा दस्त लगने पर गर्म पानी पी लेना चाहिए। विरेचन के बाद खिचड़ी और दही खाना चाहिए। अब जानते हैं जुलाब लेने की विधि। जब गोली खाने के बाद दस्त आना आरंभ हो जाए तो एक दस्त आने के बाद 2-3 घूंट ठंडा जल पी लें। इस प्रकार जितना घूंट पानी पिया जाएगा उतने ही दस्त आएंगे। यही इस दवा की विशेषता है। जब दस्त बंद करना हो तो थोड़ा सा गर्म जल पी लेने से दस्त बंद हो जाता है। बाद में दही भात खाएं। जुलाब लेने के पहले दिन घी मिली खिचड़ी खाकर कोष्ठ स्निग्ध कर लेना चाहिए। आवश्यकता होने पर बिना स्निग्ध कोष्ठ के भी ले सकते हैं। इसकी गोली को चूर्ण का बराबर चीनी मिलाकर भी दे सकते हैं। यह रसायन रक्त दोष, उपदंश, कुष्ठ, अजीर्ण, आम वृद्धि, मल वृद्धि, कृमि, मलावरोध, कफ प्रधान, जलोदर आदि रोगों के नाश करने के लिए उत्तम है। कफ प्रधान जलोदर रोग में जल का शोधन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कफ वृद्धि के कारण कफ वाहिनी स्रोतों का अवरोध हो जाता है और वायु की वृद्धि होकर शरीर में अक्षेप जन्य बीमारी हो जाती है, जिससे अपतंत्रक, अपतानक आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में कोष्ठ शोधन करने तथा कफ के अवरुद्ध स्रोतों को शोधन करने के लिए विरेचनी औषधि की आवश्यकता होती है। इसके लिए इच्छाभेदी रस का बहुत उपयोग होता है। पक्वासा में मल संचय विशेष होने पर आंतें दूषित होने से ही सेंद्रीय विष उत्पन्न होता है। यह विष इतना उग्र होता है कि संपूर्ण शरीर में फैल रस रक्त आदि धातुओं को विकृत करके कुष्ठ सदृश रोग उत्पन्न कर देता है। इस रोग में समस्त शरीर पर काले या लाल चकते, खुजली सहित उत्पन्न होता है, जिससे रोगी अधिक बेचैन रहता है तथा आंत में मीठा मीठा दर्द भी होता रहता है। ऐसी अवस्था में इच्छाभेदी रस के उपयोग से विशेष लाभ होता है। वीडियो पसंद हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।